हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशवानी टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सीपीयू के कूलिंग फ़ैन की। तो अगर आप भी गेमिंग सीपीयू आपने लिया है तो फ़ैन बहुत ही ज़रूरी होता है उसकी कूलिंग के लिए। और चलिए इसको पहले अनबॉक्स करते हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ़ैन कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, आपको कितने फ़ैन इंस्टॉल करने चाहिए और कैसे इंस्टॉल करने चाहिए, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले फाड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे ये फ़ैन रिसीव हुआ है। 120 मिलीमीटर का फ़ैन है ये। काफ़ी सारे वेरिएंट में आते हैं फ़ैन, मुझे ये 120 मिलीमीटर का मैंने ऑर्डर किया है। तो इस तरीके से इसकी क्वालिटी है, कुछ ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी तो नहीं है, पर मैं आरजीबी फ़ैन का शौकीन नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ैन मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर आपको मिलता है। ये मदरबोर्ड में लगेगा आपका, ये 4 पिन कनेक्टर, इसको डायरेक्ट आपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है और ये आपका सीधा चल जाएगा। तो इस तरीके से फ़ैन मिल जाता है, कोई भी आरजीबी लाइटिंग नहीं है इसमें। तो इसमें को यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है फ्लो की, जो एयर ब्लो करेगा वो यहाँ से एयर खींचेगा इस तरफ से, और इस तरफ से ये बाहर निकालेगा, यहाँ से बाहर निकलेगी। और ये जहाँ से ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लेगा। तो इसके साथ यहाँ पे 4 स्क्रू भी दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे 4 स्क्रू हमें मिलते हैं। ये इसके साथ ही आए हैं, तो इस तरीके से ये 4 स्क्रू हमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस फ़ैन को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, और जो हमारा फ्लो है एयर का हमारे पीसी में वो कैसे होना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो। तो इस तरह से मेरा गेमिंग कैबिनेट है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन जो है कर लिया है, ये देखिए। मैंने यहाँ पर इनो 3D का G4 GTX 1660 सुपर इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ हवा के लिए यहाँ पे दिए होते हैं, तो इसे मैंने कैसे ढका है अपने फिल्टर के साथ। तो मैंने ये खुद का फिल्टर बनाया था इस तरीके से। ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस कार्डबोर्ड से मैंने इस तरीके का फिल्टर बनाया है। यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, थोड़ी बहुत डस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप कपड़े पे लग गई है, तो मतलब ये प्रोटेक्ट कर पा रहा है हमारे, इसको यहाँ से हवा एंटर हो सकती है हमारे इसमें। और अब जो मैं फ़ैन यहाँ पे लगाने वाला हूँ, वो यहाँ पे लगाऊंगा इसका फ़ैन। यहाँ पे पता नहीं लगेगा या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं अंदर की साइड यहाँ पे लगाने वाला हूँ इस तरीके से। जितना बड़ा फ़ैन होगा उतनी ज़्यादा ये मतलब हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो सामने की तरफ यहाँ पे एक फ़ैन होता है, बिल्कुल यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे फ़ैन होता है, और यहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं पूरे। हमारा जो फ्रंट साइड है यहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, वो लगा रखा फ़ैन। तो जितनी भी जो हवा है वो यहाँ से एंटर होएगी यहाँ से, और ये जो हवा है वो सीधी जाएगी यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकालेगा। यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा हुआ है और मैंने यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा दिया है, ये कपड़ा लगा दिया है, ऐसे फ़िल्टर काम करेगा। तो कहीं से भी यहाँ पर डस्ट जो है वो आएगी ही नहीं। जो यहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ से डस्ट आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है यहाँ पे प्लास्टिक का, तो यहाँ से ये बंद है। मैं यहाँ पे भी एक फ़ैन लगाऊंगा एक्स्ट्रा, फिलहाल मैं यहाँ पे ही फ़ैन लगा रहा हूँ एक। मैंने 2 फ़ैन ऑर्डर कर रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे फ़ैन लगाना है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो एयर एंटर होगी, और यहाँ से भी एयर एंटर करेगा थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जो फ़ैन है ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़्यादा सक्शन करेगा एयर की। और यहाँ से एयर एंटर होगी, और ठीक यहाँ से भी एयर एंटर होगी। यहाँ पे हमारा फ़िल्टर है, यहाँ पे भी हमारा फ़िल्टर है, यहाँ पे भी हमारा फ़िल्टर है, और यहाँ पे भी हमने मैंने जो है यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, ताकि थोड़ी बहुत भी डस्ट हमारे अंदर ना आए। डस्ट एक मतलब साइलेंट किलर का काम करता है हमारे पीसी के लिए, तो डस्ट ना हो तो ही बढ़िया है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये है, तो यहाँ से ये बाहर की तरफ फेंकेगा हवा को,
तो मुझे ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे लगाया है। तो चलिए इसमें से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये लीजिए फ़ैन जो है मैंने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बस स्क्रू अटैच करने हैं, इस तरीके से चार स्क्रू इसके साथ जो आए हैं वो अटैच करने हैं, और ये हमारा जो एकदम फिक्स हो चुका है। बस जो ये पिन है, ये 4 पिन कनेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं CPU CHA फैन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कुछ हमने इस तरीके से अटैच करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ दो लाइन सी दे रखी है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से अटैच होगा। और ये हमारा मैंने अटैच कर दिया है। मैंने थोड़े से यहाँ पे गांठ मार दी है इसके, ठीक है, ताकि थोड़ी वायर छोटी हो जाए, और यहाँ पे मैंने ये अटैच कर दिया है। अब इसे बस टेस्ट करना है कि ये चलता है कि नहीं। ये लगाई मैंने अपनी पावर केबल, और जैसे ही मैं पीसी को ऑन करता हूँ देखते हैं चलता है या नहीं। तो जैसे ही पीसी को मैं ऑन करता हूँ देखते हैं चलता है कि नहीं, और ये जो हमारा फ़ैन है चलने लग गया है, काफ़ी अच्छी स्पीड में घूम रहा है ये देखिए। और जो इसकी स्पीड है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि ये मैंने मदरबोर्ड में अटैच किया हुआ है, जो इसकी मदरबोर्ड है वो इसमें कंट्रोल कर पाएगी इसकी स्पीड को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको SMPA से कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, मगर अगर आप मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो मदरबोर्ड पे अगर हैवी लोड होता है तो ये उसके हिसाब से जो इसकी फ़ैन की स्पीड है वो वेरी करेगी। तो इस तरीके से मेरा कंप्यूटर है। तो जो ये फ़ैन है ये एक LED फ़ैन है, मतलब RGB फ़ैन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन है फिल्टर के थ्रू यहाँ से एयर सक कर रहा है, और फिल्टर के थ्रू यहाँ से हवा आ रही है, और यहाँ से ये बाहर जाएगी इस तरीके से। और जो भी मान लीजिए अगर इसकी सक्शन पावर ज़्यादा हुई इससे, तो यहाँ से भी सक हो सकती है एयर, यहाँ से भी एंटर करेगी एयर, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है डस्ट की। और जो नीचे है यहाँ पे भी एयर सक कर सकता है, यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, और मैंने पीछे भी यहाँ पे एक फिल्टर की तरह एक कपड़ा लगा दिया है, तो जो डस्ट का चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है यहाँ पे। लेकिन फिर भी डस्ट आ जाती है थोड़ी बहुत, तो इतनी चलती है वो साफ़ हो जाती है, लेकिन काफ़ी बार जो मोटी मोटे कण होते हैं हमारे, मोटे पार्टिकल्स जो बिग पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो एंटर नहीं हो पाएंगे, छोटे मोटे डस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वो साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपने अपना कंप्यूटर वो करना है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ैन, मेरा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, एक फ़ैन मैंने SMPS का ऑर्डर किया है, एक फ़ैन तो ये कनेक्टर का यूज़ किया मैंने, और एक फ़ैन मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इसमें मोलेक्स से कनेक्टर से। तो यहाँ पे जो एक फ़ैन और मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, पता वो मुझे बाहर की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अंदर की तरफ कनेक्ट करूँगा तो ये जो 8 पिन कनेक्टर है हमारे ग्राफिक्स कार्ड का, ये बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है इंस्टॉल करना है अपना फ़ैन, ताकि मैक्सिमम आपका जो कूलिंग सिस्टम है आपके PC का तो वो अच्छा हो सके। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।